गुरुदेव लोग यही सोचकर बहुत अचरज में पड़ते हैं कि आपको ये कल्पना और आपने जो जो बातें बताई वो खुदाई में सब कुछ वैसा ही निकला वो साक्ष्य जो आपने बताए जो आपने कल्पना करके बताया जबकि आपने कभी जैसा मैंने आपको कहा कि आप तो बचपन से नेत्रहीन ने आपने वैसे सब कुछ कभी देखा नहीं होगा ये कैसे ये कल्पना कैसे आपने की चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंग ग्रिल को सब कुछ दर्शाई सुने, बहिरोने बोले रंग चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधन तह पाई उत्तर मैंने दे दिया गुरुदेव अभी प्रधानमंत्री मोदी अभी कुछ दिन पहले आपसे मिलने के लिए आए थे और आपके गले लगे और आप उन्हें अपना परम मित्र भी मानते हैं मैं मित्र मात्र नहीं मेरे मित्र है उन्नीस 1988 से जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी ना जी उसी समय से मेरी उनकी मित्रता हो गई और आज भी है भविष्य में भी रहेगी जब हम दोनों मिलते हैं तो ना मैं जगत गुरु रहता हूँ और नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री दोनों मित्र होते हैं इस बार क्या कहा कैसी रही इस बार की भेंट क्या कहा उन्होंने आपसे अरे मित्रों की बात सार्वजनिक नहीं कहती <laughs> <laughs> मैंने देखा कि वैसे तो निजी रूप से आप राजीव गांधी को भी पसंद करते हैं इंदिरा गांधी को भी पसंद करते हैं बट तौर पर आप कांग्रेस के खिलाफ रहते हैं मैं निजी रूप में इंदिरा गांधी को तो उतना पसंद नहीं करता राजीव गांधी अच्छे थे निजी रूप में अच्छे थे पार्टी तो अच्छी नहीं थी पर निजी रूप में अच्छी थी अच्छे थे कांग, देखिए कांग्रेस की कोई बात नहीं है कांग्रेस का स्वभाव रहा है सनातन धर्म का विरोध करना राम जी का विरोध करना भारतीय मूल्यों का विरोध करना क्योंकि कांग्रेस शब्द ही भारतीय भाषा का नहीं है तो विरोध करना तो जो चूंकि मैं आपको जानकर अच्छा लगेगा सुधीर जी आज की तारीख में जितने जगत गुरु हैं जगत गुरु की व्याख्या ये होती है जो तीन ग्रंथों पर भाष्य लिखे उपनिषद पर गीता पर और ब्रह्म सूत्र पर आज की तारीख में किसी ने नहीं लिखा है केवल मैंने तीनों ग्रंथों पर बयालीस सौ बयालीस सौ पृष्ठों में भाष्य लिखा है तो मैं प्रामाणिक और शास्त्रीय जगत गुरु हूँ तो जब जब सनातन धर्म पर कोई कटाक्षेप करेगा तब तब मेरा मुखर होना स्वाभाविक है मैं मुखर ही होऊंगा और जितना हो सकेगा उग्र से उग्र दंड विधान भी करूंगा मैं तो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि अयोध्या में राम जी पैदा ही नहीं हुए उनका वाक्य तो मैंने कहा था मनमोहन को चिट्ठी मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी मैंने कि सोनिया गांधी भली कह दें कि उनको उनको भारतीयता कुछ का कुछ भी ज्ञान नहीं है वो तो कहते वो तो कहते कि चीनी खेत में बहुत जाती है